निश्चित रूप से आपने महिला शक्ति का अदम्य साहस प्रदर्शित करते हुए इस कार्यक्रम का आरोप ढंग से संचालन किया, आपका बहुत बहुत आभार। अब उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता आदरणीय राजेंद्र जी धन्यवाद बीकानेर, आप आए और अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करवाएं। आदरणीय राजेंद्र जी भाई, हरिओम विष्णु, बोलो श्री गोजम्बेश्वर भगवान की जय हो। सभी को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित समाज के अग्रज आदरणीय अशोक जी गुजर अय्यर साहब, विष्णुई समाज के गुरु गंभीर महाराज के पर्यावरण के संदेश को विश्व के कोने कोने तक फैलाने वाले खमुराम जी, ममता जी, आर के विष्णु साहब, रमेश जी बाबा साहब जो दुबई में रहते हुए भी हमें सोशल मीडिया पर पोस्ट देखते हैं कि गुरु महाराज की वाणी और उनके संदेशों को अपने सभी मेहमानों से लेके हर तक पहुंचाते हैं, भाई पारस जी और डॉक्टर साहब प्रजापत जी जो हमेशा समाज के हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। आज हिंदी बोले या मारवाड़ी बोल सर, लेकिन आपने खुद के जीवन के अंदर भी आपने चाहे अन्न हो
उपयोगी हो वो आप यूज करो। आज के टाइम में सरकारें भी चिंतन करेगी सिंगल यूज प्लास्टिक बिन बैन करो। सरकार जब बैन करेगी कि बाबा मैं इन रात ना दिन में नहीं मैं बाबा यूज करा क्यों? एक विचार की बात है। आपने दूसरा सरकार हमें क्यों बताया कि आप ये करो जो करो वो भी सिर्फ पर्यावरण के लिए। हम लोग कौन है? बिश्नोई। और कहते हैं कि हम सब लोग पर्यावरण प्रेमी हैं। तो अपन जीवन में वो पर्यावरण का प्रेम उतारना चाहिए। देखो ज्ञान देवन बहुत बड़ो है। हम खुद यार आप धानों करना चाहिए धानों करने धानों करने हम खुद कह रहे हो बोधी जागरूक के मतलब है। पर्यावरण की शिक्षा आप आज संकल्प लो गुरु राज जी की सामने हाथ जोड़ के कि आप खुद अपने खुद के जीवन में ज्यादा और ज्यादा पर्यावरण के जो भी संसाधन है वे कम और कम हो सके नहीं मैं आप करा। देखो कोई सब कुछ आपने पर्यावरण के लिए योगदान हो सिर्फ कोई दो आज होता है अच्छी बात बोल दे और सिर्फ हम 363 शहीदों के ऊपर हम अपना सिर कब तक गौरवान्वित महसूस करते रहेंगे उनके लिए। हम अपने आप को हमें खुद को भी एक सच्चा पर्यावरण प्रेमी बनना है सच्चा पर्यावरण का सेवक बनना है। अपने बाल बच्चों को घर परिवार में जितने भी हैं सबको भी सच्चा विष्णु और सच्चा पर्यावरण प्रेमी बनना है। मैं धन्यवाद करना चाहूँ विषय भाई ने जो इस ग्लोबल ग्रीन 363 ऑर्गेनाइजेशन के जरिए एक इस पर्यावरण की मुहिम को लेकर के बहुत लंबे टाइम हो जरूर रूप लग रहा है। देख आज ये विषय जी खुद के नाम पर एक कार्यक्रम कराने कितना लोग आवाज आप सच खुद बताओ उन्होंने ये कार्यक्रम किया है पर्यावरण के वास्ते है तो आप सब लोग बता गया है। एक विचार को लेकर के ये कार्यक्रम हो रहा है आप सबको मंथन करके एक संकल्प लेके यहाँ से जाना चाहिए जिस संकल्प के बीच गुरु महाराज जामोजी ने 525 साल पहले गोए थे उन्हें हमें वापस जीवित करना है बड़ा पेड़ बनाना है अपने उस विचार का भी। विशेष जी से बहुत लंबे टाइम से इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं आगे किस तरह से इस ग्लोबल ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पूरे विश्व में गुरु महाराज की वाणी गुरु महाराज के संदेश और 363 शहीदों की इस संदेश को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाए इसके लिए हमें भी सहयोग करना चाहिए। आदरणीय मंत्री जी कैलाश गोरे साहब बधाई चुके हम सबके बीच में इस